नमस्कार दोस्तों, टोको टेक में आपको स्वागत है। मैं हूँ संदीप। तो दोस्तों, पिछले 3 साल से मैं बिजनेस कंसल्टेंट का काम कर रहा हूँ, फाइनेंस एडवाइजरी का काम कर रहा हूँ और कंपनी रजिस्ट्रेशन और ऑडिट का भी काम कर रहा हूँ। तो आज का जो वीडियो है ये काफ़ी खास है दोस्तों, आपके लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और जो अपने नए इंटरप्राइजेस से अपनी दुकान भी स्टार्ट करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब कभी भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो चीज़ होती है कि आप अपने बिजनेस का बिजनेस मॉडल बनाएं और उसके जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपने बिजनेस का नाम क्या रखें। क्या आप अपने बिजनेस का नाम रखें जिससे कि उसको सुनने से या उसको देखने से या उसको पढ़ने से आदमी के दिमाग में एक एक पिक्चर जो है बन जाए कि हाँ, ये जो नाम है इस बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए दोस्तों, आप कभी भी आप जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोई कंपनी स्टार्ट करते हो, कोई इंटरप्राइजेस या दुकान भी स्टार्ट करते हो, तो ये बिजनेस का जो आपका नाम है, ये जो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि आप अपने बिजनेस का नाम कैसा रखना चाहिए ताकि उससे आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि आज आपको मालूम है कि आप कोई भी नाम बिजनेस का अपने रखोगे, अपनी कंपनी का रखोगे या अपने इंटरप्राइजेस या शॉप का भी रखोगे, कल को आप उसको अपग्रेड करना चाहते हो, मतलब कि और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो, आप उसको ऑनलाइन लेके आना चाहते हो, तो वो चीज़ें अवेलेबल है या नहीं, ये सारी कुछ जो है प्लानिंग करके आपको आज से ही चलना होगा। तो मैं संदीप, बिजनेस कंसल्टेंट आपका, तो यहाँ आज आपको ये बताने वाला हूँ कि जब भी आप अपनी कंपनी, अपने बिजनेस, अपने इंटरप्राइजेस का नाम रखते हैं तो उसको नाम रखने से पहले क्या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। तो बिजनेस इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ दोस्तों, और उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा, कमेंट में बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और शेयर करना भी बिल्कुल ही मत भूलेगा। और अगर आप इस चैनल पर नया है तो लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, बेल का आइकन भी दबाना बिल्कुल मत भूलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग ये सीखेंगे कि जब भी हम कोई अपनी कंपनी, इंटरप्राइजेस, बिजनेस, दुकान का नाम रखते हैं तो उससे उसमें हमको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। मैं 5 या 6 पॉइंट में इस बात को शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी आप अपने बिजनेस का नाम रखना चाहते हैं, अपनी कंपनी का नाम रखना चाहते हैं, अपने एंटरप्राइजेस का नाम रखना चाहते हैं, तो वो नाम जो है जितना छोटा से छोटा हो उतना ही अच्छा होता है। आप ऐसा नहीं कि एक बहुत ही लंबा नाम रख दे तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखो, अगर नाम अगर छोटा होता है तो उसको बोलने में आसानी होती है। नाम ऐसा सिंपल भी होना चाहिए कि आम जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं भी हो या फिर जो जिसकी भाषा अलग अलग हो तो भी वो उस नाम को आराम से प्रोनाउंसिएशन कर सके। इसका फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि जब कभी भी वो कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी से बात करता है तो वो उस कंपनी का, मैंने आपकी कंपनी का नाम जो है इजीली उसके सामने प्रोनाउंसिएट करके बोल सके, उसको उसमें बोलने में भी तकलीफ नहीं हो, उसको समझने में भी तकलीफ नहीं हो। दूसरी बात यहाँ पास बताना चाहूँगा कि आपको नाम छोटा होने के फायदे क्या है और नाम लंबा होने के नुकसान क्या है। आप नाम में कैसे शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, आप कोई एक ऐसा शब्द का इस्तेमाल कीजिए कि जो कि सिंपल सा हो, जिसको मैंने पहले कहा बोलने में आसानी हो। दूसरी जो छोटी होने का फायदा आपको मिलेगा कि आसानी से जो है जब कभी भी उस आदमी को आपकी कंपनी का नाम बोलना होगा, प्रेजेंट करना होगा, तो वो आसानी से बोल सकता है। तीसरी चीज इसमें आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि आप जो है सिंपल वर्ड क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपने एक कॉम्प्लिकेटेड नाम इस्तेमाल कर दिया या आपने कुछ ऐसे वर्ड इस्तेमाल कर दिए जिसका जो मतलब है कोई जान, मतलब कम लोगों को ही मालूम है, बहुत पढ़े लिखे लोगों को मालूम है, कम पढ़े लिखे लोगों को मालूम नहीं है, तो वो उसको बोलने से पहले उसके दिमाग में घुसेगा ही नहीं वो नाम। तो इससे क्या होगा, जो माउथ टू माउथ ऐड होती है, मतलब कि एक आदमी दूसरे आदमी को बोल के जो ऐड करती है आपकी कंपनी के, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको वहाँ पास नुकसान होगा। तो इसीलिए दोस्तों, पहला जब आप कंपनी का अपना नाम सोचोगे तो कोशिश कीजिए कि जितना आप छोटा हो सके और जितना इजी बोलने में आसानी हो और जितना ही मतलब सिंपल चीजों का इस्तेमाल कर दे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड का इस्तेमाल नहीं कर दे कि उसको पढ़ने वाला पढ़ नहीं सके, बोलने वाला बोल नहीं सके। इससे आपको माउथ टू माउथ जो ऐड होती है इसमें आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो ये दोस्तों पहली जो टिप्स थी कि कंपनी का नाम आप कह सके, अब दूसरी टिप्स मैं आपको बताता हूं। दूसरी टिप्स है यूनिकनेस। तो दोस्तों, जब कभी भी आप अपनी बिजनेस का नाम रखो तो उसमें कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए। यूनिकनेस का मतलब होता क्या है, जैसे अभी आपने सुना होगा ओला या उबेर या इस तरह की जो नाम होते हैं, यहाँ पास अलग अलग कुछ मैंने लेटर को यूज करके बनाया जाता है। तो ये जो नाम होती है, यूनिकनेस जो होती है, ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक अलग जगह बना के रखती है। जैसे अभी मैं आपको बताऊँ कि अगर मुझे राइट कहना है तो पहले मेरे दिमाग में क्या आता है, ओला।
भले ही उसके अलावा अभी सारी कंपनियां हैं, तो आपको ये नाम अपनी कंपनी का, अपने बिजनेस का, अपने एंटरप्राइजेस का जब कभी भी रखते हो, इसमें कुछ यूनिकनेस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम आता है दोस्तों। और यूनिकनेस होने से आपको जो है एक अलग सा, मैंने कहा पहले कहा कि जो लोग सुनते हैं, जो लोग उसका इस्तेमाल किए हैं, तो उनके दिमाग में एक अलग से जगह बन जाती है उस नाम के लिए। तो ये यूनिकनेस होना आपके नाम के लिए बहुत ही जरूरी है ना दोस्तों। तीसरी बात होती है दोस्तों, कभी भी आप अपनी कंपनी का नाम किसी दूसरे फेमस कंपनी के नाम के साथ कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं दूसरी बड़ी कंपनी का नाम जो है या उससे सिमिलर नाम को कॉपी करके अपनी कंपनी का नाम रखूंगा, तो इससे हो सकता है या होता भी है कि काफी आपको नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है, और आपकी जो कंपनी के नाम जब आप अप्रूवल के लिए देते हो तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसा अगर मान लीजिए कि एक कंपनी है टाटा कंपनी, मैंने टाटा कंपनी में के नाम से एक कॉपी बनाई कि चलिए टाटा संदीप कंपनी, तो क्या होता है ये नाम अगर कोई टाटा कंपनी बोलेगा तो उसके दिमाग में पहले टाटा ही आएगा, लेकिन जब बाद में मेरा नाम पड़ेगा तो उसके सामने मेरा बैड इंप्रेशन आएगा, मतलब मेरी कंपनी का जो इंप्रेशन है खराब आएगा, उसको लग जाए कि ये कहीं ना कहीं कॉपी। आपने देखा भी होगा दोस्तों, बहुत सारे प्रोडक्ट के जो कॉपी बनते हैं तो उनके नाम जो है सिमिलर जैसा रखते हैं जो कॉपी बनाने वाले हैं, क्योंकि उनका वो मकसद होता है कि उस नाम का वो फायदा उठाए। लेकिन दोस्तों अगर आपको बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए करना है, फायदे में करना है, तो कभी भी आप अपने नाम, अपने बिजनेस का नाम को किसी से कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए। इससे हो सकता है आपको आने के फ्यूचर में काफ़ी नुकसान हो, क्योंकि अगर आपको लंबे समय तक चलना है, एक अपना खुद की आइडेंटिटी डालना है, तो कभी भी अपने नाम को कॉपी किसी बड़ी कंपनी के साथ मत कीजिए ना दोस्तों। चौथी चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं और आप अपने बिजनेस को पूरे वर्ल्ड वाइड फैलाना चाहते हैं, तो आपको मालूम है कि आपको अपनी कंपनी का एक वेबसाइट बनाना होगा, मोबाइल एप्लीकेशन बनाना होगा। तो यहाँ पास आपको बता दो, जब भी कभी भी आप कंपनी का नाम अपना चॉइस करते हैं, तो आप उसको एक बार चेक कर लीजिए उस वो नाम का डोमेन है या नहीं है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि अगर आपने चॉइस कर लिया, उसके बाद आपकी कंपनी के नए अप्रूवल हो गए, फिर आप जब डोमेन नेम खोजने जाते हो तो हो सकता है कि वो डोमेन अवेलेबल हो नहीं। तो इससे क्या होता है कि या तो अगर तो वो डोमेन की पहले किसी के पास वो बेचना चाहे तो आपको बेच सकता है, लेकिन अगर तो उसका कॉस्ट उसके ऊपर है कि वो कितना रखे। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप जब कंपनी के नाम रखने जा रहे हैं तो उस नाम का डोमेन भी आप सर्च करके पहले से ही परचेस करके रख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको डोमेन बाद में नहीं मिले, फिर आपको ऑप्शन में किसी दूसरा सिमिलर टाइप का नाम चॉइस करना पड़े, तो इससे भी क्या होता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है ना हो दोस्तों। पांचवी चीज ये भी बहुत ही, तो दोस्तों पांचवी चीज ये है कि जब कभी भी आप अपनी कंपनी का नाम रखते हो, अपनी ब्रांड का नाम रखते हो, तो वो नाम जो है आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। मतलब कि अगर सपोज कीजिए कि आपने जो है एक खाना बनाने की कंपनी या फिर चिप्स उप्स इसकी कंपनी है, तो कुछ इस तरह से नाम होना चाहिए जो कि आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे मोटे जो बिजनेस होते हैं उसमें आपको रिप्रेजेंट, आपको जो कंपनी का नाम है, आपकी जो एंटरप्राइजेस का नाम है, वो रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई देना चाहिए। इससे आपको फायदा होता है दोस्तों, क्योंकि देखो दोस्तों जब आप बहुत बड़ी ब्रांड बनते हो तो केवल आपका नाम चलता है, लेकिन जब आप छोटे से कद से स्टार्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका नाम जो होता है आपकी पहचान बनाने की कोशिश करता है, आपके नाम से ही मालूम चलता है कि वो क्या चीज की कंपनी है। तो बड़ी कंपनी की तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो छोटी कंपनी जो स्टार्टअप है उनके लिए ये काफी एक इंपॉर्टेंट चीज है ना दोस्तों। जो छठी चीज मैं बताने वाला हूं कि अपनी कंपनी के नाम में या अपने बिजनेस एंटरप्राइजेस के नाम में कभी भी द शब्द का इस्तेमाल या एंड शब्द का इस्तेमाल कोशिश कीजिए नहीं करने की। इससे भी आपको काफी फायदा होगा, क्योंकि अगर आप इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका नाम भी क्या होता है, बड़ा होता है, और इससे क्या होता है कि अगला सामने जो बोल रहा है उसको भी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों ये 6 टिप्स थे जहां पास मैंने आपको बताया कि आप अपनी कंपनी का नाम कैसे रख सकते हैं। आप किसी स्पेशलिस्ट की मदद भी ले सकते हैं कि अपने कंपनी के नाम को या अपने बिजनेस के नाम को सोचने में, क्योंकि दोस्तों जब आप स्केल आपके लार्ज है तो आपको उसके हिसाब से चलना होगा। क्योंकि यहां पास आपको बता दूं कि बहुत सारे एक्सपर्ट भी है, सारी वेबसाइट भी है जो कि नाम को बेचती है, तो आप वहां पास भी जाके कंसल्ट कर सकते हैं जो आप नाम लोगों बेचते हैं, और किसी एक्सपर्ट से आप सलाह भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करना है, इस तरह की सलाह लेना है, तो आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जरूरत होगी तो मैं आपको भी गाइड कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं अभी इंडिया में 50 से ज्यादा कंपनियों को गाइड कर रहा हूं। तो मिलते हैं दोस्तों, आशा करते हैं कि जानकारी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी होगी, अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना
मत भूलिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।